गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन। कल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे शायद। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ए बेस। फर्स्ट पार्ट है अपना क्वेश्चन का, पीएच रेंज क्या है बेस की। वैसे हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, पीएच रेंज क्या होती है बेस की, 7 to 14, 7 से लेके 14 तक। द फर्स्ट पार्ट का क्या आएगा, द पीएच रेंज ऑफ अ बेस इज फ्रॉम 7 to 14, ये अपना फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि जो स्ट्रेंथ है बेसिक सॉल्यूशन की वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। जो स्ट्रेंथ होती है बेस की वो किस पे डिपेंड करती है, कितने OH नेगेटिव आयन हैं। तो हम OH नेगेटिव आयन ऐड करके बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। द बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू OH नेगेटिव आयंस। किसकी वजह से बेसिक नेचर सॉल्यूशन का, OH नेगेटिव आयन पे। मोर द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, मोर विल बी द, क्या होगी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। उतनी ज्यादा क्या होगी, जितने ज्यादा संख्या होगी OH नेगेटिव आयन की उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। सो बेसिक स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड, बेसिक स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग OH नेगेटिव आयंस इन द बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, और ज्यादा OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिव द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, जो पूरी तरह से आयन में, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बोलते थे इसको, NaOH को, कास्टिक सोडा। सेकंड है अपना वीक बेस, वीक बेस का एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस। इसको हम एंटासिड भी यूज करते हैं, और कई बार ये भी आ जाता है, ये फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रहना चाहिए बच्चों के, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। तो यहां से हमारे ये तीनों क्वेश्चन कवर होते हैं, और ये खासकर ये बात आपने याद रखनी है, विद फॉर्मूलाज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड कास्टिक सोडा, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाटर मॉलिक्यूल बताने हैं भाई, किसमें, वॉशिंग सोडा में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O have 10 molecules of water। दूसरा कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या फॉर्मूला है, CaSO4.5H2O have half मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है भाई इसमें। फिर क्या पूछा है, व्हाट आर दीज वाटर मॉलिक्यूल कॉल्ड, एज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं साल्ट के साथ एक फॉर्मूला में, उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन साल्ट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। प्रोडक्ट का नाम बाद में देंगे भाई, पहले रिएक्शन करते हैं ताकि हमें पता चले। क्या राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। NaHCO3 इज हीटेड, जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या बनेगा, Na2CO3। Na के दोनों चले गए, CO3 का एक गया, H के दोनों बचे हुए हैं, H2O plus CO2। तो नेम तो अब देंगे, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। ये बनेंगे कब, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर, व्हाई डज ब्लीचिंग पाउडर, पहले पूछा है ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन, ड्राई स्लैग लाइन। ब्लीचिंग पाउडर क्या फॉर्मूला था इसका, CaO Cl2। सबसे पहले तो यही पता हो, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ Cl2 ऑन किसके ऊपर, ड्राई स्लैग लाइन, CaOH2, स्लैग लाइन ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, कैसे बनेगा, CaOH2 plus Cl2, क्या बनेगा, CaOCl2, और बाहर क्या निकलेगा, H2O। क्या आंसर देना है अब क्वेश्चन का, कि स्मेल स्ट्रॉन्गली ऑफ क्लोरीन, कि क्लोरीन की स्मेल क्यों इसमें से आती है, ये क्लोरीन की स्मेल देता है क्योंकि CO2 जो प्रेजेंट है एयर में वो रिएक्ट करती है ब्लीचिंग पाउडर के साथ Cl2 एलिमिनेट करने के लिए। क्या पूछ रहा है, कि ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन की स्मेल क्यों आती है, क्या लिखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर स्मेल लाइक Cl2 या स्मेल स्ट्रॉन्गली Cl2 बिकॉज CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद CO2 प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म Cl2। CaOCl2 रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट Cl2 बाहर निकलता है, और इसी की वजह से ब्लीचिंग पाउडर में से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है किसकी, Cl2 की। सेकंड पार्ट पूछा है इसने, क्या पूछा है सेकंड पार्ट में, नो डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर, पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता भाई, विरंजक चूर्ण है जो अपना CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर है, क्या होता है, कुछ अनरिएक्टेड लाइम होता है इसमें, लाइम से ही तो बनता है ये, तो जो अपना ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें कुछ अनरिएक्टेड लाइम होता है जो रिएक्ट नहीं करता, इट कंटेन सम अनरिएक्टेड लाइम विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता, और उसी की वजह से मिल्कीनेस आ जाती है भाई वाटर में, पूरी तरह से विरंजक चूर्ण नहीं घुलता भाई, जैसे साल्ट घुलता है, साल्ट घुलने के बाद आपको वाटर एज इट इज दिखाई देता है, अगर आप नॉर्मली नेक्ड आइज से देखते हो तो आपको ये लगता है इसमें साल्ट प्रेजेंट है या नहीं है, हम देखकर नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को डिसोल्व करते हैं वाटर में, आपको मिल्कीनेस लगेगी, यानी ये नहीं लगेगा कि ये वाटर है, ये लगेगा इसमें कुछ घुला हुआ है, पूरी तरह से क्यों नहीं घुलता, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में कुछ अनडिसोल्व लाइम होता है,
ब्लीचिंग पाउडर कंटेन सम अनरिएक्टेड या अनडिसॉल्वड आयन. ब्लीचिंग पाउडर कंटेन सम अनरिएक्टेड लाइम. ब्लीचिंग पाउडर में कुछ अनरिएक्टेड लाइम होता है जो इनसोल्यूबल है वाटर में, विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर. वाटर में इनसोल्यूबल है और इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन जो मिल्कीनेस है, मिल्कीनेस होगी ड्यू टू दिस रीजन. मिल्कीनेस कैन बी ऑब्जर्व व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज डिसॉल्व इन वाटर. तो आप इस क्वेश्चन को यहां तक भी कर सकते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसमें अनरिएक्टेड लाइम होता है जो पानी में नहीं घुलता, इसी वजह से जो ब्लीचिंग पाउडर है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म हाइड्रेटेड साल्ट. हाइड्रेटेड साल्ट क्या होते हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है. हाइड्रेटेड साल्ट आर थोस इन विच वाटर इज प्रेजेंट, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल देना हमने, स्टेट टू एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट विच आर व्हाइट. पहला तो वॉशिंग सोडा ही हो गया, व्हाइट भी है ये और इसमें वाटर हाइड्रेटेड साल्ट भी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इसमें Na2CO3.10H2O. दूसरा इसमें ले सकते हैं आप POP CaSO4.5H2O, व्हाइट भी है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी हाइड्रेटेड भी है ये. थर्ड आप ले सकते हैं इसमें जिप्सम CaSO4.2H2O, ये भी व्हाइट होता है और इसमें वाटर भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सोडा एस. सोडा एस का जो केमिकल नेम होगा वो होगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर ना हो, Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं सोडा एश. कब मिलता है, जब हम वॉशिंग सोडा से 10 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, थोड़ा हीट करते हैं तो ये किस में टूटता है, Na2CO3.H2O+9 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं. स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो 10 के 10 मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं, अपने पास बचता है सिर्फ ये, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस. एनहाइड्रस का मीनिंग क्या है, इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होगा Na2CO3. नेक्स्ट क्या आपका ब्लू बीटीरो. इसका क्या फॉर्मूला होगा, ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं हम, जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को बोलते हैं. केमिकल नेम भी देना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्रिस्टल, सॉरी सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, क्रिस्टल CuSO4.5H2O ब्लू बीटीरोल का फॉर्मूला होता है. थर्ड अपना बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये केमिकल फॉर्मूला नेम है इसका और फॉर्मूला क्या बनेगा NaSCO3. इसको मीठा सोडा बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है इसको. आज के लिए इतना ही करेंगे, कल कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम शुरू करेंगे. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.